पर बात करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की। छत्तीसगढ़ का दौरा उनका है, आज वो आएंगे। अमित शाह कल अभनपुर के चंपारण में वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे। चंपारण में शाह को दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यहां हेलीकॉप्टर उतारकर मॉक ड्रिल भी किया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सहित बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस की बैठक लेंगे, जिसमें नक्सल से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 25 अगस्त को सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेंगे और 25 अगस्त को ही दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो ये बड़ा खास, बेहद खास इस दौरे को कहा जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ मिशन पर हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों पर बैठकें होंगी। आज केंद्रीय गृहमंत्री पहुंच रहे हैं, कल सुबह से उनके अलग अलग बैठकों की शुरुआत हो जाएगी। क्या महत्वपूर्ण रहेगा ये भी हम जानेंगे सहयोगी से, पर आपको बता दें आज केंद्रीय गृहमंत्री पहुंचने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। युगल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं। कब तक वो पहुंचेंगे और उसके बाद से क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे करीब जो रायपुर पहुंचेंगे, दो दिवसीय प्रवास है। उसके बाद वो चंपारण जाएंगे। सूचना ये भी है, जानकारी ये भी है, खबर है कि वो सपत्निक आ रहे हैं और चंपारण जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रायपुर आएंगे और यूनिफाइड कमांड की जो बैठक है, अहम बैठक है, उसमें हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों की जो गतिविधि है, लगातार राज्य सरकार, केंद्र की जो जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, लगातार माओवादियों के हौसले को पस्त कर रहे हैं। उन्हें पीछे धकेलने का काम है वो लगातार कर रहे हैं। लगातार माओवादियों का एनकाउंटर्स है, हमारे जवान उकर रहे हैं, तो उनकी समीक्षा है वो करेंगे। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के काम काज है, उस पर जो उनका किस तरह से फोकस है, जो मोदी की गारंटी थी उसे किस तरह से पूरा किया जा रहा है, राज्य सरकार के जो कामों की समीक्षा है वो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो काफ़ी अहम हो जाता है। उनकी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम है किए गए हैं। जो अन्य जो जिले से सुरक्षा के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे वहाँ पर बाकायदा जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई है, मॉक ड्रिल भी किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का ये दौरा काफी खास है। जी बहुत ज्यादा अहम, अलग अलग दौरे, अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग बैठकें यहाँ पर होने वाली है। खास तौर पर, विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है तो नक्सलवाद के खात्मे पे जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है और सफलता भी मिल रही है, उस पर भी चर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। लगातार नजर बनाए रखिएगा युगल, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सतनामी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास के वंश में पैदा होने से ही कोई गुरु नहीं हो जाता। बाबा गुरु घासीदास की सतनामी समाज के असली गुरु हैं। डहरिया का यहां तक उन्होंने कहा कि सतनामी समाज के 80% लोग गुरु प्रथा को बंद करना चाहते हैं। सतनामी समाज पूरी तरह एक है, गुरु लोग अवसरवादी हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो वे कांग्रेस में थे, चुनाव आया तो बीजेपी में चले गए। तो वहीं डहरिया के बयान पर बीजेपी नेता और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार से डहरिया का मानसिक संतुलन हिल गया है। समाज के लोग बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज के गुरु हैं और गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं। तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि गुरु प्रथा बंद किया जाए और अधिकांश समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु प्रथा बंद करने के पक्ष में हैं। और लगभग 80% समाज के लोग, 80 से 90% लोग गुरु प्रथा के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ एक ही गुरु है जो बाबा घासीदास जी हैं। देखिए, समाज बटा हुआ नहीं, समाज एक है। आप देख लीजिए बड़ौदा बाजार में जो आंदोलन हुआ वो समाज का आंदोलन था, कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था। और ये जो गुरु लोगों को बात कर रहे हैं तो अवसरवादी है। जब हमारी सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस में लाभ लिया और चुनाव आते भाजपा में चले गए। तो ऐसे लोगों की स्वीकार्यता अब समाज में नहीं रह गई। शिव कुमार डहरिया जी, इनका
मानसिक संतुलन हिल गया है। कहीं ना कहीं पहले विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे, तो दोनों जब हार उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही, उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया है, क्योंकि उनको तानाशाही करने की आदत है, लोगों पे गुंडागर्दी करना, मारपीट करना और सतनामी समाज के लिए अपमान करना उनका लगातार काम है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर सियासी तकरार लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया, शराब घोटाले को उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड का क्राइम बताया है। साथ ही कहा कि शराब को बेचने वाली एजेंसी कांग्रेस के काल में सिंडिकेट के हाथ में चली गई। इस सिंडिकेट में अनवर डेबर, अनिल टुटेजा जैसे लोग सिंडिकेट में शामिल रहे। सिंडिकेट के जरिए छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया गया और भ्रष्टाचार कर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को गर्त में धकेल दिया। माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया, यह कहा गया कि संबंधित एफआईआर के अवलोकन के पश्चात यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा जांच के दौरान यह फाइंडिंग है, एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अभियुक्तों याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है और अपराध की अनुमानित आय लगभग 2161 करोड़ है। इधर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेश मूणत ने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज डेबर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसको में रायपुर नगर निगम के साथ एमओयू पर सवाल उठाए। उन्होंने एमओयू को नियम के खिलाफ बताते हुए कहा कि डेबर निजी यात्रा पर मॉस्को गए हुए थे, सरकारी शासकीय प्रतिनिधि के तौर पर नहीं। एमओयू सरकार के साथ किया जाता है, डेबर जनता को चुनावी सब्जबाग दिखा रहे हैं। क्योंकि मेयर 4.5 साल से हैं, चुनाव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मॉस्को में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ एमओयू संपन्न किया। ये एमओयू की वैल्यू क्या? राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, नगर निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं, और जब कोई किसी पार्टी के साथ एमओयू संपन्न होता है तो दो सरकार के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एमओयू संपादित होता है। तो मॉस्को पहुंचे एजाज डेबर और अब एमओयू जो साइन किया गया है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं, सियासत गरमा रही है, बीजेपी अलग हमला बोल रही है कि आखिर ये जो है सरकार में लोग जो रहते हैं वो करते हैं, ये खुद जा करके आखिर एमओयू कैसे साइन कर सकते हैं, उनका निजी दौरा था। तो कई सारे सवाल हैं, जानकारी लेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मॉस्को के दौरे पर एजाज डेबर रहे, एमओयू साइन किया, अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है, बीजेपी नेता अलग अलग तरह के तर्क भी दे रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, किस तरह से इसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ खास करके राजधानी में यातायात का लगातार दबाव है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय लाइट मेट्रो रेल की जो योजना वो बनाई गई थी, अब चूंकि एजाज ढेबर महापौर हैं वो मॉस्को की यात्रा पर हैं, तो उस दूसरी ओर उनका जो सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी थी कि एमओयू लाइट मेट्रो रेल को लेकर के हुई है, तो इसके बाद पूर्व मंत्री हैं राजेश मूणत का भी कद्दावर नेता है, उन्होंने ये बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये निजी दौरा पर महापौर हैं, वो गए हुए थे, तो ऐसे में जब एमओयू हुआ है तो सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि निगम के कोई अधिकारी नहीं है। और एमओयू जो होता है दोनों जो देशों के जो अधिकारियों के बीच होता है, जो मसौदा तैयार किया जाता है उस पर हस्ताक्षर होते हैं, तो ये किस तरह का एमओयू है, तो एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। देखना होगा कि आखिर ये एमओयू किस तरह का एमओयू है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने, राजेश मूणत ने ये कही है,
किए, अगर किसी पार्टी के बीच का एमओयू है तो ये आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मेट्रो रेल की जो परिकल्पना है वो फिलहाल साकार होते हुए नजर नहीं आ रही है और इसे लेकर के अब राजनीति जरूर हो रही है जी। और राजनीति आखिर कितनी गर्माती चली जाएगी ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ये मामला और ज्यादा खींचे। बहुत बहुत शुक्रिया युगल। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कोरिया के शिवपुर चर्चा नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस से छिन गई है। अध्यक्ष लालमुनि यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 और विपक्ष में मात्र 3 मत पड़े। अपर कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी अंकिता सोम की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव कांग्रेस समर्थित थी। नगरपालिका में कांग्रेस को बहुमत है। भारी हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद बीजेपी ने नारेबाजी कर खुशी मनाई और इसी दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगिड़, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जेल पहुंचे। पायलट ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि यह लोकतंत्र में अधिकारों का हनन है, हम इसे एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे, कल एक बड़ा आंदोलन करेंगे, आगे कोर्ट भी जाएंगे और कानून का साथ लेंगे। उन्होंने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है हर जिला मुख्यालय पर और इस पूरे मुद्दे को हम पॉलिटिकल और लीगल तरीके से लड़ेंगे। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे घटनाक्रम का दोष कांग्रेस के माथे मढ़ना चाहती है। लदा बाजार में जो हुआ और जो हिंसा उसके बाद हुई उसके लिए सरकार प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। धमतरी के सरकारी स्कूल में तिलक को लेकर बवाल मचा है। सकरा गांव के सरकारी स्कूल में जब बच्चे तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई, बच्चों से तिलक हटाने को कहा, जिसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ता और बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ ही देर हंगामे के बाद एबीवीपी परिजनों और स्कूल के स्टाफ के बीच बैठक हुई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बिलासपुर का जिक्र करते हैं, यहां पर कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा गया है। कोचिंग सेंटर को निगम ने सील कर दिया, पार्किंग की व्यवस्था नहीं की थी इसलिए सील किया है। निगम के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। ये बिलासपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा गया है। मामला क्या है पूरा ये भी जानेंगे सहयोगी से। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, जब टीम पहुंची और यहां पर सील किया गया है कोचिंग सेंटर, पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी और इसी पर यह सील करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जो है इस कोचिंग सेंटर पर जब सील किया गया, यहां पर कार्रवाई की गई, तो बाकी कोचिंग सेंटर्स वालों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं उन पर अब अगली बारी ना हो कि उनके वहां पर कार्रवाई हो, छापा मारा जाए और सील हो जाए। तो अब कुल मिलाकर के सक्रियता यहां पर प्रशासन की दिखाई दे रही है। बिलासपुर में ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब टीम पहुंची यहां पर कार्रवाई की, दरअसल नोटिस भी दिए गए थे निगम के द्वारा पर इसका जवाब नहीं दिया गया, उसके बाद यह एक्शन लिया गया और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। अब जो है बाकी वहां पर जो कोचिंग संचालक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डर है, हड़कंप है कि कहीं अब उनकी बारी तो नहीं है अगली। ज्यादा जानकारी सहयोगी उमेश मौर्य से लेंगे। उमेश, कोचिंग सेंटर पर यहां पर कार्रवाई की गई है, इसे सील कर दिया गया है, मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पा रहा है? देखिए, नगर निगम लगातार उन कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है जो नियम विरुद्ध यहां पर संचालित हो रहे हैं, खास करके उन कोचिंग सेंटरों को जहां पर कोचिंग सेंटरों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसी कड़ी में जिस लगातार शिकायत के बाद भी, नोटिस जारी करने के बाद भी, जो सिद्धि विनायक कोचिंग सेंटर है
उसने नगर निगम में कोई जवाब पेश नहीं किया, जिसकी वजह से नगर निगम का जो अमला है आज मौके पर पहुंचा, गांधी चौक स्थित सिद्धिविनायक कोचिंग सेंटर पहुंचा और वहां पर जो कोचिंग सेंटर है उसको सील करने की कार्रवाई किया है। इसके साथ ही कॉम्पिटिशन सेंटर है वहां पर भी कोचिंग सेंटर वहां पर भी खामियां पाई गई, जिसको लेकर वहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है। तो कहा जा सकता है कि नगर निगम लगातार उन कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर रहा है जो नियम विरुद्ध चलाए जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारी खामियां हैं। जिस तरीके से दिल्ली में एक घटना कोचिंग सेंटर में हुई थी, उसके बाद से नगर निगम यहां पर भी जागा है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज भी उसी के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली दूसरी खबर भी बिलासपुर से, यहां पर स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अब तक आपको बताएं 4 मरीजों की मौत हो चुकी है, 19 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब जो है कहीं ना कहीं सक्रियता अस्पताल प्रबंधन की भी की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग की भी सक्रियता यहाँ पर की व्यवस्थाएं मरीजों के लिए की जाए और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जगह पर कैंप भी लगाए जाए, लोगों की जांच की जाए, लोगों को सतर्क किया जाए और साथ ही साथ अब अस्पताल प्रबंधन भी पूरी तरह से इन सभी कामों में जुटा है, स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोग इसकी चपेट में आए हैं जिनका इलाज अब भी जारी है। वायरस के फैलाव का ये एक बहुत अनुकूल मौसम है, जो बरसात का मौसम रहता है, इस समय इसके वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं ये एक सामान्य सर्दी खांसी बुखार के लक्षण रहते हैं और जब स्वाइन फ्लू का जो वायरस रहता है इन लक्षणों के साथ साथ मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र वो नुकसान पहुंचाने के साथ साथ फेफड़े जो हैं श्वसन तंत्र का हिस्सा होते हैं और फेफड़ों में उनको नुकसान पहुंचाते। रायपुर में गायक हंसराज रघुवंशी पर ठगी का आरोप लगा है, 11 लाख रुपए की ठगी का आरोप युवती ने लगाया है। इवेंट कंपनी चलाने वाली युवती ने पुलिस से शिकायत की, रकम वापस नहीं देने पर थाने ये पूरा मामला पहुंच चुका है। 11 जून 2023 को कार्यक्रम हो रहा था और इसी का पैसा जो है युवती को वापस नहीं मिला है, उसने अब शिकायत भी दर्ज कराई है, ठगी का आरोप लगाया गया है। 11 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। दरअसल ये गायक है हंसराज रघुवंशी, इस पर ठगी का आरोप लगा है, 11 लाख रुपए की ठगी का युवती ने आरोप लगाया। इवेंट कंपनी चलाने वाली युवती ने पुलिस से शिकायत की है, रकम वापस नहीं देने पर थाने ये पूरा मामला पहुंच चुका है। खबर सुकमा से है जहां 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया, दोनों पर 8-8 लाख का इनाम था, पिछले कई साल से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। ये दोनों टेकलगुड़ा नक्सल वारदात में शामिल रहे, सरेंडर करने वाले दोनों नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास नीति का फायदा दिया जाएगा। पीएलजीए बटालियन कंपनी नंबर 1 के सदस्य थे, दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। उक्त नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित करने में जिला बल 219 वाहिनी आसूचना शाखा तथा उड़ीसा पुलिस का विशेष योगदान रहा है। अब बात अंबिकापुर की, जहां गोलीकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की हिरासत में लिए गए आरोपी संजीव मंडल ही युवक का कातिल निकला और इसी ने युवक अक्षत अग्रवाल के सीने में 3 गोलियां मारी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50,000 मृतक के सोने की चेन, ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद किया है। आरोपी की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद की गई। आपको बता दें कि चठिरमा जंगल में कार में अक्षत की लाश मिली थी। शरीर पर 3 बुलेट इंजरीज थे जो कि सीने के पास मौजूद थे। फिर आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने पिस्टल से मृतक की हत्या की है। आरोपी की निशानदेही पर 3 नग पिस्टल, लगभग 35 राउंड कारतूस बरामद किया गया।
बारिश के मौसम में जर्जर पुल पुलिया पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी नालों पर बने पुल जर्जर हो चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं। गरियाबंद के फिंगेश्वर में भी ऐसा ही एक पुल है। रवेली गांव की तरफ जाने का पुल जर्जर हो चुका है। इस पुल को पार करना खतरनाक है, लेकिन ग्रामीण से लेकर स्कूली बच्चे तक मजबूर हैं। इस पुल से उन्हें सफर करना पड़ता है। यहां नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण का कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। लोग 4 साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया। ये तस्वीरें आप गरियाबंद की इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। काम तो शुरू हो चुका है, पर कछुए की चाल बराबर ये काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इतने सालों से रास्ता पार कर रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।